सबसे पहले स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में और इंडिया में भी। आपकी फिल्म आ रही है कायरी रसकला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। प्रियंका, हमने देखा कि यूएस के या फिर किसी भी स्ट्रीट में जाए या फिर ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग हो या किसी भी बिलबोर्ड पर आपकी तस्वीरें नज़र आती है। इट्स अ फर्स्ट थिंग, इट्स अ फर्स्ट टाइम कि इंडियन जो आर्टिस्ट है उनकी तस्वीरें हर जगह स्ट्रीट में, आप बिलबोर्ड्स वो में नजर टाइम आती स्क्वायर है। वगैरह की जो जी बात कर रहे हाँ, हैं, जो अभी सब तो लोग हाउ ट्वीट डज कर रहे फील, हैं। हाउ डज इट फील? आई हैव टू से कि आसान नहीं होता किसी और देश में जाना और वहाँ काम करना, शुरुआत करना इमीडिएटली बिना किसी एंटाइटलमेंट के। और मैं कहीं पे भी जब जाती हूँ एंटाइटलमेंट लेकर नहीं जाती कि मैं सो एंड सो हूँ तो मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर दूसरे देश में गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ और कहूँ कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और मैं एक इंडियन एक्टर हूँ। तो आई थिंक मुश्किलें रही हैं, बट एज एन एक्टर, एज अ वुमन, मैंने हमेशा बात सिर्फ अपने अचीवमेंट्स की है, क्योंकि वो आसान होता है बात करना कि देखो ये करने के बाद मुझे इस मुशक्क़त के बाद ये मिला। लेकिन अभी रिजल्ट आपके सामने है, जैसे इसलिए आपने मुझे वो सवाल पूछा। एंड होपफुली मैं इंडिया से जो जो कुछ चीज़ें सीखी हूँ और जो भी सीखने जा रही हूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं इंटरनेशनली ले जाकर मुकाम बना सकूँगी। एंड मैं उसका ये मतलब सिर्फ अमेरिका या इंडिया या एक देश नहीं, मुझे एक या दो देशों से पेट नहीं भरेगा, मुझे पूरी दुनिया चाहिए।